अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पोहे का बहुत ही टेस्टी नाश्ता। ये नाश्ता बहुत ही खाने में टेस्टी होता है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनके तैयार हो जाता है। मैंने दो टाइप से इसको बना के बताई हूँ। इसे बनाने के लिए ये मैंने पोहा ले ली हूँ, ये मैंने एक कप पोहा ले ली हूँ। उसको अच्छी तरीके से मैं 2 से 3 पानी धुल लूँगी। अब ये मैंने 2-3 पानी धुल ली हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ आधा नींबू और इसको मिक्स करके मैं इसको है ना 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। अब ये देखिए 15-20 मिनट हो चुका है और ये अच्छी तरीके से फूल के तैयार भी हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ उबले हुए आलू, जो कि मैंने 2 बड़े साइज के आलू ली थी उसको भी डाल दी हूँ। आधी मैंने बारीक कटी हुई प्याज, मिर्ची आप जितनी मिर्ची खाते हो उसी हिसाब से डाल लीजिएगा, नमक। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक्स। आप अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो वो स्किप भी कर सकते हो। और ये मैंने मैगी मसाला ली हूँ, जो मैं 2 मिनट वाली मैगी आती है उसी का मसाला मैं इसमें डाल रही हूँ। इसी के डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और ये बहुत ही कम सामान में बनके तैयार होती है। और जो मैगी है ना उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर मैं डाल दी हूँ बस 1 चम्मच के बराबर आटा और इसको मैं साइड में रख रही हूँ। अब एक ट्रे में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दी हूँ और उसको अच्छी तरीके से ब्रश से लगा दूंगी। और ये मेरा जो मिक्सचर मैंने तैयार करके रखी हूँ उसको दबा दबा के इसके अंदर खूब अच्छी तरीके से सेट कर देंगे इस तरीके से। और इसको मैं साइड में रख दूंगी आधे घंटे के लिए। और ये जो मैगी है अब इसको है ना मैं मिक्सर जार में डाल के छोटे छोटे टुकड़े करके डाल दूंगी और उसको पीस लूंगी। एकदम बारीक पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही रखना है। अब इसको रखते हुए मुझे ना 20 मिनट हो गया है। अब इसके मैं छोटे छोटे पीसेस कट कर लूंगी। आप अपने हिसाब से कट कर सकते हो, छोटे या बड़े शेप आप कोई भी दे सकते हो इसे। मैंने इस तरीके से इसको कट कर ली हूँ और इसको है ना मैं 2 तरीके से बना के बताऊंगी आपको। ये देखिए यहाँ पे मैंने मैदा ले ली हूँ, उसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल के इसको मिक्स कर दूंगी और एकदम पतली सिलरी बना के तैयार कर लूंगी। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी चिल्ली फ्लेक, नमक, इसको भी मिक्स कर देंगे और बस इसको इसी में डुबा के और जो मैंने मैगी बारीक करके रखी हुई हूँ उसके अंदर पूरा कवर कर देंगे इसको सब तरफ से। सूखे वाले हाथ से लगाइएगा इस तरीके से। इसी तरीके से मैंने अपना है ना आधा मैगी में कोट करके इसको फ्राई कर लूंगी और आधे को मैं है ना पोहा लगा के मतलब फ्राई करूंगी। वो मैं 2 तरीके से इसलिए बनाई हूँ ताकि अगर आप मैगी खाना पसंद नहीं करते हो तो आप पोहे के साथ में भी बना सकते हो ये नाश्ते को। और इसको दोनों तरफ से उलट पलट करके हम लोग गोल्डन फ्राई करेंगे। ये नाश्ता खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी होता है, आप भी बना के इसे ज़रूर ट्राई करना। और ये बहुत ही कम सामान से बन जाता है और बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। आप चाहो ना तो इसको बस पीसेस कट करके और इसको फ्रीज में रख सकते हो, जब भी आपका मन करे तो आप इसको निकालो और फ्राई कर सकते हो। इसको अलटते पलटते मैं दोनों तरफ से एकदम गोल्डन क्रिस्पी कर लूंगी। ये देखिए ये रेडी भी हो चुका है। अब मैं इसको निकाल रही हूं।
अब देख के ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना टेस्टी बना था। अब मैं दूसरे वाले को उसी में डिप करके और इसके अंदर पोहे से मैं इसको ऊपर से चारों तरफ से पोहा लगा दूंगी और इसको भी मैं फ्राई कर लूंगी। आपके पास मैगी नहीं हो तो आपको इस तरीके से बनाना है। और ये भी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। सेम उसी तरीके से मैं इसको भी दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लूंगी। ये देखिए ये भी बनके रेडी हो गया है। अब मैं इसे भी निकाल ले रही हूं। दोस्तों मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो के नीचे लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।